क्या दोस्तों, आप लोग भी अपने YouTube चैनल पे काफी समय से काम कर रहे हैं, पर दोस्तों अभी तक आपके वीडियो पे व्यूज कितने आ रहे हैं? 5, 10, 15, 20, 50 या 100, इससे ज्यादा आपके वीडियो पर व्यूज आते ही नहीं। दोस्तों आप लोग के वो व्यूज कहाँ से आते हैं? ज्यादा से ज्यादा आते होंगे तो ब्राउज फीचर से, नहीं तो सजेस्टेड वीडियो से आपके व्यूज आते होंगे। पर दोस्तों आप लोग अपने वीडियो को ओपन करके एक चीज को जरूर चेक करना, क्या आपके वीडियो पे कभी यूट्यूब सर्च से व्यूज आते हैं? भाई बिल्कुल भी नहीं आते होंगे। अब आप लोग का एक क्वेश्चन और रहता है कि हमारी वीडियो सर्च में क्यों नहीं जाती है, जिससे हमारे वीडियो पे लॉन्ग टाइम तक व्यूज आए। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग अपने वीडियो पे बिल्कुल भी सही तरीके से एसईओ नहीं करते हैं। अब काफी सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहेगा कि आखिर ये एसईओ क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को एसईओ कहते हैं। अगर आपको अपने वीडियो को सर्च में भेजना है, यूट्यूब सर्च से अपनी वीडियो पर व्यूज लेके आने हैं और लॉन्ग टाइम तक अपनी वीडियो को चलाना है, तो आप लोग को अपने वीडियो को सर्च में जरूर ले जाना पड़ेगा। उसके बिना आपका चैनल है वो कभी भी ग्रो हो ही नहीं सकता। दोस्तों आप लोग यहाँ पे सबसे पहले प्रूफ देखिए, ठीक है? यहाँ से देखो, मैं आ चुकी हूँ अपने YouTube एप्लीकेशन पे, ठीक है? सबसे पहले मैं यहाँ से करती हूँ टर्न ऑन इनकॉग्निटो मोड को ऑन, ठीक है? अब यहाँ पर देखो सर्चेबल ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर मैं सर्च कर लेती हूँ सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाए, ठीक है? अब देखो आपके सामने ये वाला टॉपिक आ गया, सिंपली मैं कर देती हूँ इस पर क्लिक। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया, अब देखो मैं यहाँ से नीचे जाती हूँ, यहाँ पर देखो सेकंड नंबर पे ही आपको मेरी वीडियो मिल जाती है। आखिर मेरी वीडियो सर्च में कैसे चली गई? आप लोग देखो यहाँ पर देखो, एक वीडियो आई लॉन्ग की और यहाँ पर देखो सेकंड नंबर पे ये मेरी वीडियो शो हो रही है। आखिर क्यों? बल्कि मैंने यहाँ से टर्न ऑन इनकॉग्निटो मोड ऑन कर दिया, यूट्यूब बिल्कुल फ्रेश मोड में है, ठीक है? और हो सके तो आप लोग सर्च करके देख ले रहा। अब यहाँ पर ये वीडियो मेरी सर्च में कैसे गई? क्योंकि मैंने अपनी वीडियो को परफेक्ट तरीके से एसईओ किया है। अगर आप लोग भी अपने वीडियो को परफेक्ट तरीके से एसईओ कर लेते हैं तो 100% आप लोग की वीडियो है वो यूट्यूब सर्च में चली जाएगी और आपको सर्च से ही व्यूज मिलेंगे। और मैं आपको क्लियर बता दूं, जो व्यूज आपके सर्च से आते हैं उनसे आपको सब्सक्राइबर भी बहुत ज्यादा मिलते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर काफी सारे लोग कहते हैं कि हम लोग बहुत अच्छे तरीके से एसईओ करते हैं फिर भी हमारी वीडियो YouTube सर्च में नहीं जाती है, तो मैं आपको बता दूं, आप लोग की नजर में वो सही है कि आप लोग एसईओ करते हैं, पर आप लोग अगर मेरी नजर से देखेंगे तो आप लोग बिल्कुल सही तरीके से एसईओ नहीं करते हैं। अब दोस्तों आप लोगों को बड़े बड़े ढोंगी यूट्यूबर मिल जाते हैं, वो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ गलत तरीके बताते हैं पर आपको सही तरीका नहीं बताते कि आखिर आपको एसईओ कैसे करना चाहिए। पर आज की वीडियो में आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से पता चलने वाला है कि अगर आप लोग इस तरीके से अपनी वीडियो का एसईओ करेंगे तो 100% आपकी वीडियो भी यूट्यूब सर्च में जाएगी बिल्कुल मेरी तरह, ठीक है? आप देखो यहाँ से मैं नेक्स्ट टॉपिक सर्च कर लेती हूँ, ठीक है? अब मैं यहाँ पे सर्च करती हूँ वॉच टाइम कैसे बढ़ाए, ठीक है? अब देखो ये वाला टॉपिक आ गया, अब मैं कर लेती हूँ इस पर क्लिक। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ पर देखो फर्स्ट नंबर पे ही आपको मेरी वीडियो शो हो रही है और इस पर देखो 3 हफ्ते में 12,000 व्यूज आ चुके हैं और देखो ये सर्च में भी जा रही है, तभी यहाँ पर देखो ये देखो बिल्कुल फर्स्ट नंबर पे आपको मेरी वीडियो देखने के लिए मिल गई, ठीक है? अब आप लोग सोचते हैं कि मैंने यहाँ पे कोई ट्रिक लगाई है, भाई कोई ट्रिक नहीं लगाई, बस मैंने अपनी वीडियो का एसईओ सही तरीके से किया है। तो अगर आप लोग भी अपनी वीडियो को सही तरीके से एसईओ करोगे, यहाँ पर देखो ये वाली मेरी वीडियो फिर से आ गई है वॉच टाइम के ऊपर, आप लोग खुद देख सकते हैं, ठीक है? इस तरीके से मेरी यहाँ पे काफी सारी वीडियोस है वो सर्च में चलती रहती है। अब मैं यहाँ से एक नेक्स्ट टॉपिक सर्च कर लेती हूँ, ठीक है? मैं सर्च करती हूँ शॉर्ट्स, ठीक है? यहाँ पे मैं सर्च कर लेती हूँ शॉर्ट वीडियो, यहाँ पे लिख देते हैं वायरल, ठीक है? यहाँ पे लिखते हैं शॉर्ट वीडियो वायरल टिप्स एंड ट्रिक्स, ठीक है? इस पर मैं क्लिक कर लेती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, थोड़ा सा नीचे जाएंगे, जैसे ही थोड़ा सा नीचे जाएंगे यहाँ पर आप लोगों को देखो मेरी वीडियो मिल रही है। ये देखो मैंने 3 महीने पहले वीडियो अपलोड की थी और यहाँ पर देखो 2.3 लाख व्यूज आ चुके हैं। तो अब दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर 3 वीडियो दिखा दी कि किस तरीके से आप लोग अपनी वीडियो को यूट्यूब सर्च में ले जा सकते हैं और यहाँ से ये जो सारी वीडियोज है वो मेरी यूट्यूब सर्च में कैसे गई है, क्योंकि मैंने अपनी वीडियो को बिल्कुल सही तरीके से एसईओ किया है। अगर दोस्तों आप लोग बड़े बड़े यूट्यूबर्स के हिसाब से देखोगे, यहाँ पर देखो मेरी एक वीडियो और आ रही है 1 महीने पहले डाली है और यहाँ पर देखो 96,000 व्यूज है वो आ चुके हैं। अब आप लोग शायद मेरी बात पर यकीन ना करें, पर दोस्तों जो लोग यकीन कर लेंगे वो लोग अपनी वीडियो को 100% यूट्यूब सर्च में पहुंचा देंगे। अब बात करते हैं कि आखिर आपको अपनी वीडियो पे एसईओ कैसे करना चाहिए और वीडियो अपलोड करते टाइम ही आपको एसईओ पे फोकस करना, ये नहीं कि बाद में करो, ठीक है? आप लोग जो वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं उसी वीडियो पे आपको बिल्कुल सही तरीके से एसईओ करना है। अगर सही तरीके से एसईओ नहीं करोगे तो आपकी वीडियो पर जिंदगी भर 8 से 10 व्यूज ही आते रहेंगे, इससे ज्यादा आपकी वीडियो पर व्यूज आएंगे ही नहीं। तो अब आपको कैसे अपनी वीडियो पे एसईओ करना है सारा प्रोसेस मैं आपको बताने वाली हूँ, तो बस आपको क्या करना है, ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है? और इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक तरीका नहीं दो तरीके बताने वाली हूँ एसईओ के, कि आप लोग दोनों तरीके से अगर एसईओ करोगे तो 100% दोनों तरीके से आपकी वीडियो है वो यूट्यूब सर्च में चली जाएगी, ठीक है?
पर दोस्तों आजकल के लोग ही सबसे बड़ी एक कड़वी सच्चाई कि वो लोग बड़े बड़े यूट्यूबर को देखकर अपने चैनल को चलाते हैं, क्योंकि बड़े यूट्यूबर कभी भी अपनी वीडियो में पूरी तरीके से एसईओ नहीं करते, क्योंकि उनके पास मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स की ऑडियंस बन चुकी है। अगर वो अपनी वीडियो में बिल्कुल भी एसईओ नहीं करेंगे तब भी उनकी वीडियो पर व्यूज आ जाएंगे। और छोटे चैनल वाले क्या करते हैं कि उन्हीं के चैनल को देखते हैं और ये सोचते हैं कि इन्होंने एसईओ नहीं किया तो हम भी एसईओ नहीं करेंगे तो हमारी वीडियो पर व्यूज आ जाएंगे। तो भाई बिल्कुल भी नहीं, आपके पास अभी ऑडियंस नहीं है, आपको ऑडियंस को बनाना है। तो आपको ऑडियंस को बनाने के लिए आपको अपनी वीडियो पर पूरी तरीके से एसईओ करना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं कि कैसे आपको अपनी वीडियो पे एसईओ करना है। तो यहाँ पर देखो आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है, टर्न ऑन इनकॉग्निटो मोड पर ही रहना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जाना है सर्च वाले आइकन पे, इस पर क्लिक कर लो। क्लिक करने के बाद अब मान लीजिए आपने कोई टॉपिक को डिसाइड किया है कि मुझे इस टॉपिक पर आज वीडियो को अपलोड करना है, ठीक है। तो मान लीजिए मुझे करना है सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाए, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाए इस तरीके से आप लोगों को करना है। अब आपको सबसे पहले वीडियो का टाइटल तैयार करना पड़ता है कि आखिर आपको अपनी वीडियो का टाइटल क्या लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सिंपली आपको लिखना है सबसे पहले सब्सक्राइबर कैसे, ठीक है। यहाँ पर देखो आपके सामने बहुत सारे टाइटल आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जो पहला वाला मिल रहा है इस पर कर लो क्लिक। जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो फिर से इस पर क्लिक कीजिएगा और इस वाले टाइटल को कर लीजिएगा इस तरीके से कॉपी, ठीक है। यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से जाना अपने नोटपैड के अंदर। जैसे ही नोटपैड में जाओगे यहाँ से इस तरीके से लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से फुल स्टॉप लगाना है और उसके बाद आपको फिर से यहाँ पे आना है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको कर देना है कट। कट करने के बाद अब आपने एक बार हिंदी में सर्च कर लिया, अब दूसरी बार आपको यहाँ से इंग्लिश में सर्च करना है, ठीक है। यहाँ पे लिखिए हाउ टू इंक्रीज, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आपके सामने खुद ये वाला आ गया, हाउ टू इंक्रीज सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब चैनल, इस पर कर लीजिएगा क्लिक। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे इस तरीके से आपको फिर से इस पे आना है और इसको पूरी तरीके से यहाँ से कर लेना है कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे आइए और यहाँ पे आने के बाद सिंपली इसके आगे आप इसको पेस्ट कर दीजिएगा। आप देखो आपका यहाँ से टाइटल है वो तैयार हो चुका है, बस अगर आप ये टाइटल डालोगे तो 100% आपकी वीडियो है वो रैंक कर जाएगी, ठीक है। तो अब आपकी वीडियो का जो टाइटल है वो यहाँ से तैयार हो चुका है, ठीक है। अब बात करते हैं कि आखिर आपको इसके डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है। अब आपको डिस्क्रिप्शन तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से आ जाओ, यहाँ से आने के बाद देखो आप लोगों ने यहाँ पर इस तरीके से सर्च किया, यहाँ से हम कर देते हैं इसको कट। कट करने के बाद यहाँ पर लिखिएगा सब्सक्राइबर, ठीक है। यहाँ पे लिखिए सब्सक्राइबर कैसे, इतना आपको लिखना है। और नीचे देखो यहाँ पर आपके काफी सारे टाइटल हैं वो आ गए। अब सिंपली आपको करना क्या है, इसका आपको लेना है एक स्क्रीनशॉट, ठीक है। यहाँ से देखो मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो एरो वगैरह आपको दिख रहा है ये सारे आपको यहाँ से कर देने क्रॉप, ठीक है। इस तरीके से आपको क्रॉप करना है, सर्च आइकन वगैरह इस सबको आपको यहाँ से क्रॉप करना है, एरो हटा देने, ठीक है। अब इतना स्क्रीनशॉट आया इसको आपको सेव कर लेना है। जैसे आप इसको सेव कर लोगे, सेव करने के बाद अब आपको सेकंड सर्च करना है इंग्लिश में, ठीक है। जैसे आप अभी हमने किया था तो हाउ टू इंक्रीज, ठीक है। यहाँ पे लिखिएगा इंक्रीज और यहाँ पे लिख दीजिएगा सब्सक्राइबर, थोड़ा सा आपको हिंट देना है। उसके बाद देखो यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे टाइटल आ गए। अब फिर से आपको क्या करना है, सिंपली इस तरीके से इसका स्क्रीनशॉट लेना है और इसको भी क्या करना है पूरी तरीके से यहाँ से क्रॉप कर लेना है, जितना आपको बस चाहिए चाहिए उतना उतना आपको सिंपली यहाँ से रखना है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं इस तरीके से इसको ले जाते हैं और यहाँ से हमने देखो पूरी तरीके से इसको कर दिया क्रॉप, ठीक है। इस तरीके से क्रॉप किया और सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद अब देखो क्या करना है, अब आपको जाना है प्ले स्टोर एप्लीकेशन पे और यहाँ पे ये वाली जो एप्लीकेशन है इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। जैसे आप इसको इंस्टॉल करेंगे सिंपली ओपन कर लीजिएगा। जैसे आप इसको ओपन करेंगे आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपने स्क्रीनशॉट लिए थे अभी जो कैमरा वाला आइकन आ रहा है इस पे कर देना है क्लिक। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे गैलरी में चले जाओ। जैसे ही गैलरी में जाओगे अब आपने जो स्क्रीनशॉट लिया था सिंपली आपको वो स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लेना है, ठीक है। और यहाँ से राइट के ऑप्शन पे करना है क्लिक। तो जैसे आप राइट के ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे आपके सामने देखो ये वाले सारे जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे लिख के आ गया। आपका था क्या, यहाँ पे फोटो था, फोटो से आपको टेक्स्ट में यहाँ पे मिल गया। अब यहाँ पर देखो आपको मिल रहा है कॉपी का ऑप्शन, तो इस पे सिंपली कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद अब आपको क्या करना है, सिंपली जाना अपने नोटपैड के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर इस तरीके से आपको सारे के सारे जो कीवर्ड है वो डाल देने हैं। डालने के बाद फिर से आप यहाँ पे जाओ तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो आपको फिर से क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे गैलरी में चले जाओ। गैलरी में जाने के बाद अब हमने जो सेकंड स्क्रीनशॉट दिया था वो आपको यहाँ पे देना है और यहाँ से डन कर देना है। तो जैसे ही आप लोग डन करोगे आपके सामने फिर से जो आपकी जो इमेज थी वो देखो यहाँ से टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गई है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर सिंपली कर देना है क्लिक और यहाँ से कर लेना कॉपी। कॉपी करने के बाद आपको फिर से यहाँ पे जाना है और यहाँ से आपको इस तरीके से अपने सारे कीवर्ड है वो इसके नीचे पेस्ट कर देने हैं, ठीक है। अब देखो क्या करना है, अब आपको यहाँ से इस तरीके से गैप को हटा देना है और यहाँ पर जो आपने कीवर्ड डाले इसके ऊपर आपको लिख देना है योर और यहाँ पे लिख देना है सर्च, ठीक है। इस तरीके से योर सर्च करके आपको लिखना है और यहाँ से देखो आपका टाइटल भी तैयार हो गया, आपका डिस्क्रिप्शन भी तैयार हो गया, ठीक है।
अब तरीका क्या लगाना है वो समझो, ठीक है? वो नहीं समझा तो आपको कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है? अब यहाँ पर आने के बाद आपको YouTube एप्लीकेशन पे आना है और यहाँ से क्या करना है आपको टर्न ऑफ इनकॉग्निटो मोड कर देना है, ठीक है? अब यहाँ से आपका YouTube चैनल ओपन हो गया। अब यहाँ पे देखो प्लस का आइकन आ रहा है, सिंपली आपको कर देना है इस पे क्लिक और यहाँ से अपलोड अब वीडियो वाले ऑप्शन पे कर देना है क्लिक। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप यहाँ से कोई सी भी अपनी एक वीडियो ले लीजिए, ठीक है? तो यहाँ से मान लीजिए मैंने इस वीडियो को यहाँ से ले लिया, ठीक है? जैसे कि मैंने इस वीडियो को लिया, नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है? नेक्स्ट करने के बाद अब मान लीजिए आपका जो टाइटल था वो आपको यहाँ पे डालना है और डिस्क्रिप्शन लाके आपको यहाँ पर डालना है। तो सिंपली आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको जाना है नोटपैड में। नोटपैड में जाने के बाद आपका जो टाइटल है वो आपको देखो यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पर आना है और यहाँ पर आने का इस तरीके से टाइटल डाल दिया, आपका टाइटल कंप्लीट हो गया। अब आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन में आना है और यहाँ से आपको टाइटल सहित, ये नहीं कि टाइटल छोड़ दो, टाइटल सहित आपको पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद अब सिंपली यहाँ पर आना है और इस तरीके से देखो आपका टाइटल और डिस्क्रिप्शन यहाँ से देखो आपका पढ़ चुका है, पढ़ गया। अब देखो आपको क्या करना है, अब यहाँ से आना है और इसको अनलिस्टेड में ही अपलोड करना है, ठीक है? अनलिस्टेड में अपलोड कीजिएगा और यहाँ पर देखो फिर क्या करना है आपको, नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद नो पर क्लिक कीजिएगा, अपलोड वीडियो पर क्लिक कर दीजिएगा। अब आपके वीडियो यहाँ से अपलोड होना स्टार्ट हो गई, ठीक है? अब ये वीडियो आपकी अपलोड हो रही है, अब बचा क्या, आपके कीवर्ड बचे, ठीक है? कि आपको अपने वीडियो में टैग्स क्या लगाने हैं, तो टैग कैसे लगाने वो ध्यान समझिएगा। अब यहाँ से आपको सिंपली चले जाना है अपने YT स्टूडियो एप्लीकेशन के अंदर। अब यहाँ पर देखो आपकी जो वीडियो है वो देखो यहाँ पर शो होने लगेगी, ठीक है? अब क्या करना है, सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे अब आपको यहाँ से पेंसिल का आइकन मिल रहा है, इस पेंसिल के आइकन पे क्लिक कर लो। जैसे पेंसिल के आइकन पे क्लिक करोगे यहाँ से देखो जो आपका पहला वाला कीवर्ड है, ठीक है? यहाँ से सबसे पहले ही पहले वाले कीवर्ड को यहाँ से कर लो कॉपी, ठीक है? इस तरीके से कॉपी किया और टैग वाले सेक्शन में जाओ, यहाँ पर पेस्ट कर दो, ठीक है? पेस्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है, सेकंड वाला यहाँ से जो कीवर्ड आपने लिया है इसको यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने का सिंपली यहाँ पर जाना और पेस्ट कर देना, ठीक है? इस तरीके से अब आपके कीवर्ड लग गए। अब देखो यहाँ पर आपको आना है और यहाँ पर देखो जो आपने कीवर्ड लगाए हैं, जो यहाँ से आपने कीवर्ड लिए थे वो कीवर्ड आपको क्या करना, एक एक करके कॉपी करने और अपने टैग वाले सेक्शन में लगा देने, ठीक है? इस तरीके से आप लोग लगाओगे और फिर यहाँ पे अट्रैक्टिव थंबनेल लगाइएगा जिससे आपकी वीडियो सर्च में जाए तो और लोग की वीडियो को छोड़कर लोग आपकी वीडियो को देखे, तो 100% यहाँ से आपका जो परफेक्ट SEO है वो हो जाएगा और आपके वीडियो में कोई भी कमी नहीं रहेगी, आपकी वीडियो 100% यूट्यूब सर्च में चली जाएगी, ठीक है? तो अब यहाँ से कर देते हैं सेव, ठीक है? अब मैं आपको बताती हूँ दूसरा तरीका कि आखिर आपको दूसरा तरीका कैसे अपनाना है। तो सिंपली आपको जाना है टर्न ऑन इनकॉग्निटो मोड करना है। तो अब आपको यहाँ पे आना और यहाँ पर आते आपको अपना फिर से टॉपिक सर्च करना। मान लीजिए मेरा टॉपिक है सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं, इस तरीके से आपको यहाँ पे आना है। अब यहाँ पर जो भी आपको वीडियो टॉप में मिलेगी सिंपली इस वीडियो के 3 डॉट पर क्लिक कीजिएगा, शेयर पे क्लिक कीजिएगा और आपको आपको प्ले स्टोर पर एक एप्लीकेशन मिलेगा जिसका नाम है बाय टूल। उस एप्लीकेशन पे सिंपली जाके यहाँ से क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप लोग यहाँ से क्लिक करेंगे अब आपकी जो वीडियो थी उसका टाइटल डिस्क्रिप्शन टैग्स इस तरीके से देखो आपके सामने सारा कुछ ओपन हो गया, ठीक है? अब आप लोग सिंपली इन्हीं के टाइटल को, इन्हीं के डिस्क्रिप्शन को, इन्हीं के हैशटैग को, इन्हीं के टैग्स को, सारी चीजों को कॉपी करके अपनी वीडियो के अंदर लगा सकते हैं। ये भी एक परफेक्ट तरीके का SEO होता है, इसको मैं खुद पर्सनली ट्राई करती हूँ। तो अगर आपको दोनों में से जो भी सही लगे आप उसको यहाँ से ट्राई कर सकते हैं। आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि आखिर अपने वीडियो पे एक परफेक्ट तरीके से SEO कैसे करते हैं। बाकी आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।